मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अगर आप यूँ हौसला हार जाएंगे तो आंटी को कौन समझेगा, बाकी घर वालों को कौन समझेगा। अरे मुसीबत तो तुम्हारे ससुराल से आई भी है, उससे बचा रही हूँ कहीं हमारे सरों पे आकर टिक ना जाए। लालच किया था ना आपने, पता चला? पता नहीं उसके दिल में सिवाय अपनी बीवी या अपनी बेटी के किसी और के लिए दर्द है भी के नहीं। मेरी बच्ची ने क्या गुनाह किया था कि खुदा ने उससे हीरो जैसा शौहर छीन लिया। क्या है शाल, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं मीटिंग से वापस ऑफिस जा रहा हूँ। चैन, मेरे पास वलीमे के लिए मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें ईशान, आज वलीमा है और तुम्हें अभी ये बात याद आ रही? मेरी आपसे बात कब होती है, अगर पहले याद आ भी जाती तो क्या फायदा होता। अच्छा प्लीज मुझे बताएं, आप मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट लेकर जा सकते हैं? मैं बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बल्कि आप गाड़ी में ही बैठ जाएगा, मैं ज्वेलरी से लेकर क्या जाऊँ। देखो इतने लंबे चौड़े प्लान्स मुझे मत बताओ, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम। और वैसे भी तुम्हारे पास इतनी गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी तो हुई है, उसमें से कुछ पहन लो। सहन, अगर मैचिंग की ज्वेलरी होती तो मैं क्यों कहती आपसे। प्लीज कुछ मैनेज कर लें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं कुछ सोचता हूँ, बताता हूँ। ठीक है मम्मी। अरे क्या हो गया तो क्या? मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। देखो अभी अभी you don't know वाला जहाँ पर तुम नहीं जाती, क्या हुआ है? छोड़े मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या हो गया है? अरे तैमूर बेटा बहुत खुश लग रहे हो, बात तो बताओ क्या है। अरे जो बात है वो तो बता दो। अरे मम्मी बात ही इतनी खुशी की है, जो मैंने शॉपिंग मॉल का टेंडर फाइनल किया था ना, वो कंपनीज ने अप्रूव कर दिया। I'm getting the loan now और कंस्ट्रक्शन का काम कल से ही शुरू हो जाएगा। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। या अल्लाह तेरा शुक्र, यही तुम चाहते थे ना। बहुत मुबारक हो तैमूर आपको। थैंक यू, और आप सबको बहुत मुबारक। और इसी खुशी में आज रात एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। पर आज तो नयाब का वलीमा है। अरे हाँ आज तो नयाब का वलीमा है। तो क्या हुआ, कल का रख लेते हैं, सबको बुला लेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं वलीमे पे जाऊँगा, ऐलान करूँगा, सबको दावत दे आऊँगा। अरे मेरा यार अजहर तो बहुत खुश होगा तुम्हारी इस कामयाबी पर। देखा तैमूर, ये सब मेरी बेटी के नसीब से है। तुम्हें चाहिए कि इसे अच्छा सा गिफ्ट दो। बताइए फिर क्या गिफ्ट चाहिए आपको शहजादी साहब? अरे बेटा बड़ा सा गिफ्ट मांग। देखा मैं कहता था ना तुम्हें, ये मेरे माँ बाप को और तुम्हारे माँ बाप ज्यादा। जल्दी से बताओ ना क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए तैमूर। सोच लो, कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं। जी नहीं, तुम अभी को टूर पे लेके जाओगे। अरे आपको कैसे पता चला? मैं तो अभी सारे रास्ते गाड़ी में ये सोचता हुआ आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ हम सब यूरोप के टूर पे जाएंगे। हम सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों, है ना? आप कपड़े चेंज करने चला जाओगे? जाओ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा था ना आपसे कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा सुनो ईशान, बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस चलता हूँ वापस। थोड़ी देर तो बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं देर हो गई, ऑफिस जाके खा लूंगा। और प्लीज मॉम के सामने इस बात का जिक्र मत करना कि मैं घर आया था। अच्छा आप ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ सकते हैं? कोशिश करूंगा। तुम्हें क्या देख रहे हैं? क्यों, देखने पे पाबंदी है? आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मेरे इतने प्यार से देखने पे आप कंफ्यूज हो जाती। मुझे तैयार होने दें और आप जाकर चेंज कर लें। अरे तुम्हें तैयार होने से किसने रोका? हो जाते यार, हम लेट हो रहे हैं, आप जाएं जाकर तैयार हो जाएं। यानी तुम मुझे मना कर रही हो कि मैं तुम्हें ना देखूं? जी मैं आपको मना कर रही हूँ कि आप मुझे इस तरह तैयार होते हुए ना देखें। कैसे ना देखूं? मेरा तो दिल चाहता है मैं तुम्हें देखता और तुम चाहे हमारे दरमियान कभी कोई ना हो सके। तैमूर आप मुझे टेंशन दे रहे हैं, जाए जाकर तैयार हो जाए। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कौन सा कोई मेकअप करना, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट है आपके पास, ठीक है? अरे 1 मिनट तो बहुत कम है, 1 मिनट में कौन तैयार हो सकता? कम से कम 2 मिनट तो दो। 1 मिनट मिलेगा, जाए। यहाँ बैठो। पहले इतनी आसानी से इजाजत दे दी, अब रो रही हो। आप मुझे रोज कॉल करेंगे ना? बिल्कुल करूंगा। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल भी करूंगा, बल्कि तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा, अपनी यूनिवर्सिटी भी। लेकिन एक मसला है। क्या? हो सकता है मेरे पीछे कोई गोरी पड़ी हो और मैंने मुड़कर उसे देख लिया तो? आपको अपना वादा याद है ना? या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया हूँ? अम्मा मैं सीरियस हूँ, आपको अपना वादा याद है ना? बिल्कुल याद है। तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, प्रॉमिस, पक्का। और अगर आई ना तो मैं अपनी जान दे दूँ। अरे ऐसे नहीं कहते, you know, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल, और इसलिए भी स्पेशल हो कि मेरे माँ बाप की पसंद। और आपकी पसंद नहीं हूँ मैं, तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। ज़ैन, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इस शाल को लेकर बाजार, अल्लाह ना करे, क्या करूं? जी इफ्तिखार साहब कितने में पहुंचेंगे आप साइड पे? मैं बस पहुंचने लगा हूं। जी जी अब हम तो गए, आपको आवाज आ रही है? मैं बस रास्ते में हूँ। दिल डूब रहा है अभी। आप यहाँ आराम से बैठे, इधर आए, यहाँ बैठे आराम से। टेक लगाएं। मूसा कह भी रहा था ना डॉक्टर के पास चलते हैं, क्यों मना कर रही हैं आप? मैं मूसा को जाके बोलती हूँ कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ आराम से बैठे ना। मूसा, या अल्लाह, या अल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? तैमूर, जब हमारे पास पेशेंट को लाया गया था उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हम नहीं बचा पाए। सुना तूने? तैमूर को नहीं बचा। अरे मेरा बेटा, उसे क्या क्या बचा? उसे क्या क्या? मुझे कहते हैं जी हीरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।